प्रकार के धार्मिक कार्यों में यज्ञ और हवन अनंत काल से ही विशेष महत्व रखते हैं। ये अत्यंत ही पवित्र और आध्यात्मिक क्रिया है। यज्ञ की अग्नि पावन होती है और जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण पवित्र और देवमय बन जाता है। यज्ञ वेदी में स्वाहा का उच्चारण करके भगवान को भोग देने से मनुष्य का दुख और दरिद्र और अन्य सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं। यज्ञ के स्वामी को अधियज्ञ कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यज्ञ का स्वामी या फिर अधियज्ञ कौन है और ये अधियज्ञ शरीर में किस प्रकार से रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में सभी यज्ञों के भोगता है और इस बात का प्रमाण हमें भगवद गीता के 8वें अध्याय से प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, अधियज्ञ कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम नेयो असि नियतात्मभि। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में किस प्रकार से रहता है और मृत्यु के समय भी भक्ति में रहने वाले आपको किस प्रकार से जान पाते हैं। यहाँ पर अर्जुन के मन में भी वही प्रश्न है जो कि हमारे मन में भी है कि वास्तव में यज्ञ का अधिकारी देवता कौन है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका हल भगवद गीता में ना हो, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्रचादि देवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांवरः। जिसका अर्थ होता है कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। वो विराट स्वरूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है वह अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वही परमेश्वर यज्ञ के स्वामी है। तो कुछ ऐसे अधियज्ञ यानी कि यज्ञ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है और वे परमात्मा के स्वरूप में हम सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर अधियज्ञ किसे कहा जाता है और अधियज्ञ कौन है इसके विषय में जानकारी दी। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।